ये खाना पहुंच रहा है साहब आपके पितरों तक, देख लीजिए। सुबह आपने खाना बनाया, पशुओं के आगे रख दिया इस उम्मीद में कि पशु खाना खाएंगे, पक्षियां खाना खाएंगे, तो ये खाना आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। ये देखिए साहब, और आप भी जाके देख लीजिए, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, जहाँ पर पक्षियों को पशुओं को आपने पूड़ी खीर रखी होगी, आपके खाने की भी यही दुर्दशा हो रही होगी। पशुओं ने खाना खाया नहीं, खाने के ऊपर मल कर दिया। बताइए, अगर ऐसे ही खाना कोई आपको परोसे तो आप खाएंगे? तो आपके पितर ऐसा खाना खा के कैसे खुश हो सकते हैं? यहाँ पर सोचने की बात यह है दोस्तों कि ये मूर्खता है। आपके पितर जब दादा दादी माता पिता जिंदा थे, आपने जैसा व्यवहार उनके साथ किया वही व्यवहार उनके साथ चला गया। अब उनके चले जाने के बाद जो है आप 56 भोगी क्यों ना चढ़ा दें, उसकी कोई मान्यता कोई वैल्यू नहीं है। और इतना ही नहीं, अनर्थ अभी होने वाला है। इस स्वीपर को आप देखिए, ये स्वीपर जा रहा है उसी पार्क में उसी रोड पर, और इस पूरे खाने को झाड़ फूस के जो है डस्टबिन में फेंक देगा। परंतु आपने अन्य का अपमान जरूर कर दिया, वहीं दूसरी ओर हम पितरों को खुश करने के लिए भंडारे करवा रहे हैं, और एक तरफ हम ऐसे अपमान भी कर रहे हैं। अगर यही खाना आपने किसी जरूरतमंद को दे दिया होता तो वो जरूर खुश होता, वो जरूर आपको आशीष दे देता।